चक्कर में बाबू आए ये मेला को खत्म कर दिया, खत्म करते जा रहे हैं। हम जो जितना तक जानते हैं वो बोल रहे हैं बाबू। आप बहुत बुजुर्ग आदमी, आप लोगों को पता होगा कि इतना समय से यहाँ पे क्या क्या हम लोग नहीं देखे होंगे जो आप लोग देखे होंगे। 72 बरस का उम्र है, 2 रुपया लेके आते थे घर से ना, तो पूरा मेला घूम के जाते थे 2 रुपया में। आय के कारण मेला खत्म होते जा रहा है और नीतीश बाबू इस मेला को ले जा रहे हैं राजगीर के तरफ। देखिए ये बहुत बड़ी बात बोले हैं अंकल जी, बात सही बात बोले हैं कि सोचने की बात है कि जितना मेला यहाँ शानदार लगता था वो सारा मेला जा रहा है राजगीर में। राजगीर में वहाँ ये सही बात बोले आपका जो बात है 100% कंपनी से हम आज से नहीं जुड़े हुए हैं, 40 वर्ष इस कंपनी में जुड़े हुए हैं। एक कंपनी के मेला हम हर जगह जाकर महोत्सव कराते हैं, मेला कराते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन मेरा सोनपुर मेला तो अब खत्म हो गया, चारना भी अब नहीं है। छत्र मेला था ये विश्व प्रसिद्ध कहा ही जाता है कि यहाँ पे वीर कुंवर सिंह के जमाने में वीर कुंवर सिंह यहाँ से घोड़ा खरीद के लेके जाते थे और युद्ध में वो काम आता था वो घोड़ा। हाँ, विदेश के भी आदमी यहाँ से घोड़ा खरीद के ले जाते, हम लोग देखे हुए हैं। यहाँ से हाथी लदा के जाता था ट्रक पर, बच्चा था तो हाथी के बच्चा उसको देखने के लिए मेला भीड़ लगता था। रुपये बेचता प्रशासन को मालूम हो जाएगा तो उसको भी अंदर कर देगा, इसलिए वो लोग भी खत्म हो गया धीरे धीरे। आपको क्या लगता है बेचना कहीं कहीं गलत होगा तभी तो प्रशासन इस पे बैन लगा रहा है? तो गलत नहीं है। अब आपको यदि शौक है कि हम हाथी खरीदे तो इस मेला में हाथी आता था तो आप आते तो हाथी खरीद के ले जाते, अभी तो सब बात है नहीं। बहुत होता है ना कि लोग खरीद के ले जाकर उसको तस्करी करते थे, नहीं तो उसको काट करके उसका चमड़ी हुआ चाहे उसका दांत हुआ ऐसा बेचते होंगे तभी तो सरकार उस पर बैन लगाए। नहीं ये सब गलत बात है, यहाँ जो हाथी बिकता। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में दोस्तों, हमारे साथ एक अंकल है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आइए उनसे बहुत सारे से जानकारी लेते हैं आखिर यहाँ पे कुछ क्या कुछ खास होने वाला है। तो अंकल जी स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल पे। ठीक तो बताइए कि आखिर यहाँ पे क्या बन रहा है, जो आप यहाँ पे कर रहे हैं क्या बन रहा है, क्या कर रहे हैं? ये पर्यटन विभाग का सूचना जनसंपर्क विभाग है, इससे प्रोग्राम होता है 32 दिन का कार्यक्रम चलता है, इसमें नेता लोग आते हैं और एक से एक कलाकार लोग आते हैं, प्रोग्राम देते हैं, वही बन रहा है। कितना दिन से इसमें काम चल रहा है? इसमें करीब 15 दिन से काम लगा हुआ है। 15 दिन से लग रहा है? हाँ। कितना कब तक ये तैयार हो जाएगा? ये 12 के उद्घाटन है और 10 के हम लोग को 9 या 10 के हम लोग को पूरा फुल कंप्लीट फिनिश करके देना है। आखिर इस बार क्या खास होने वाला है इस मेला का जो महत्व है? सभी लोग कहते हैं कि पशु प्रधान मेला है। इसका खत्म हो गया और महत्व है कहाँ, अब सिर्फ मेला है, गंगा स्नान है और मेला है, लोग झुलवा उलवा देखते हैं। अब सोनपुर का जो बता दें कि थिएटर के नाम से जो सोनपुर जो है बिहार में, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सोनपुर थिएटर में रात को ये होता है वो होता है, बहुत ऐसे गलत बोल रहे हैं। जो भी लोग बोल रहे हैं ये गलत बात है, ये सब कुछ नहीं होता। जो प्रोग्राम सब में CCTV कैमरा लगा हुआ है, प्रशासन रहता है वहाँ, गलत कैसे होगा, नहीं होता। यही होता है कि पहले प्रोग्राम 1 नंबर होता था, अब होता है कि सिर्फ डांस गाना बजाना होता है, एक से एक बस यही सब नया युग वाली बात है। पिछला बार हम लोग आए थे तो देखे थे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब जो लोग भी बिजनेसमैन यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं उन लोग का यही कहना था कि मेला तो स्टार्ट हो जाता है बट हम लोग को लाइसेंस नहीं मिलता है, हम लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस बार क्या लग रहा है, लाइसेंस मिल जाएगा उन लोगों को समय से? अब प्रशासन के अंदर में है, वो जो चाहेगा वही ना होगा। हाँ ये तो बात है कि प्रशासन के अंदर है, प्रशासन से आप लोग चाहेंगे तो मांग भी कर सकते हैं कि समय से आप लोग दे दीजिएगा उद्घाटन। मान के चलिए कि बहुत सारे जनसंख्या यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, अगर उस समय अगर लाइसेंस सभी को दिया रहेगा तो उस समय तो उन लोग का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, लेकिन 1-1 करोड़ रुपया लोग थिएटर में लगा देता है, दूर दूर से कलाकार मंगाता है, आई लोग 2-3 दिन मेन कमाने का समय लोग नहीं देते हैं। बता दें दोस्तों कि जिस समय स्नान का दिन जो होता है पूर्णिमा दिन, उस दिन इतना भीड़ रहता है, उस दिन पूरा मतलब स्टार्ट तो हो जाता है, क्या उद्घाटन तो हो जाता है बट लाइसेंस ही नहीं रहता है, मेला स्टार्ट ना के बराबर, झूला भी स्टार्ट ना के बराबर। हाँ, ये बात सही है। तो बहुत सारा नुकसान, व्यापारी जितना भी लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है सबको तो पूरा नुकसान होता है, हर साल होता है नुकसान होता है, फिर भी लोग लालच में आता है कि चलिए वहाँ जाए हैं, जा रहे हैं कुछ कमा लेंगे। सरकार
सरकार से अनुरोध कीजिए, मांग कीजिए कि हम लोग को सरकार से तो हम लोग कहिए रहे हैं कि इसमें पशु मेला का आप दे दीजिए कि हाथी उठी नहीं बिक्री होगा, कम से कम देखने के लिए तो आएगा हाथी का। हाथी देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मांग कर रहे हैं चाचा जी कि हाथी कम से कम दे दीजिए कि लाइसेंस दे दीजिए कि हाथी देखने के लिए आते थे कि चलो मेला में दो गो लगता था। ये हाथी बाजार तो यहाँ वाला ख़त्म हो गया, विवाह भवन सब खत्म हो गया, उधर वही हाथी बाजार ख़त्म हो गया, गाय बाजार ख़त्म हो गया, चिड़िया बाजार उधर ख़त्म हो गया, मेला है कहाँ। सिर्फ जहाँ देखे वहाँ थिएटर, थिएटर भाई क्या तो उसको भी बदनाम कर रहे हैं लोग, नाम कर रहे हैं लोग। ऐसे तो बिहार तो यही एक ऐसा मतलब है साल भर में एक बार है जो यहाँ पे व्यापारी लोग अच्छा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा प्रॉफिट के चक्कर में। बाबू आए ये मेला को ख़त्म कर दिए, अब ख़त्म करते जा रहे हैं। हम जो जितना तक जानते हैं वो बोल रहे हैं बाबू। आप बहुत बुजुर्ग आदमी, आप लोग को पता होगा कि इतना समय से यहाँ पे क्या क्या हम लोग नहीं देखे होंगे जो आप लोग देखे होंगे। 72 बरस का उम्र है, 2 रुपया लेके आते थे घर से ना तो पूरा मेला घूम के जाते थे 2 रुपये में मात्र। 2 रुपया देख सकते हैं दोस्तों, मात्र 2 रुपये में अंकल जाते थे और पूरा मेला घूम लेते थे। आज के जमाने में 2 रुपये में तो कुछ आएगा ही नहीं। 2000 रुपया 2000 भी कम। मेरा पोता और बेटा आता है तो कहता है 100 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए तब मेला जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। खर्चा इतना मतलब महंगाई आ गया है, महंगाई कहां से होगा? महंगाई के कारण मेला खत्म होते जा रहा है और नीतीश बाबू इस मेला को ले जा रहे हैं राजगीर के तरफ। देखिए ये बहुत बड़ी बात बोले हैं अंकल जी, बात सही बात बोले हैं कि सोचने की बात है कि जितना मेला यहाँ शानदार लगता था वो सारा मेला जा रहा है राजगीर में वहाँ। ये सही बात बोले आपका, जो बात है 100% कई कंपनी से हम आज से नहीं जुड़े हुए हैं, 40 वर्ष से कंपनी में जुड़े हुए हैं। ये कंपनी के मेला हम हर जगह जाके महोत्सव कराते हैं, मेला कराते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन मेरा सोनपुर मेला तो अब ख़त्म हो गया, चारना भी अब नहीं है, जो होना चाहिए अब वो मेला नहीं है। अब यहाँ से ज़्यादा ध्यान नीतीश जी दे रहे हैं राजगीर में, राजगीर जो देखिए वो मिलेगा राजगीर में, राजगीर में मिलेगा, यहाँ पे वो नहीं, वो ध्यान नहीं है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध हरिहर छत्र मेला था, ये विश्व प्रसिद्ध कहा ही जाता है कि यहाँ पे वीर कुंवर सिंह के जमाने में वीर कुंवर सिंह यहाँ से घोड़ा खरीद के लेके जाते थे और युद्ध में वो काम आता था वो घोड़ा। हाँ, विदेश के भी आदमी यहाँ से घोड़ा खरीद के जाते, हम लोग देखे हुए हैं, यहाँ से हाथी लदा के जाता था ट्रक पर, बच्चा था तो हाथी के बच्चा उसको देखने के लिए मेला भीड़ लगता था, बच्चे में हम लोग ऊँख मांग मांग के ऊँख चिपते थे घूम घूम के, अब तो देखने के लिए भी नहीं मिल रहा। अब बस वही कुछ घोड़ा आ जाता है मांगा वाला, उसको देख के आदमी खुश होता है, कुछ कुछ यूनिक। पिछला साल आया था वो 1.5 फुट का या 3 फुट का था ये घोड़ा, हरियाणा पंजाब वाला बकरी उकड़ी आता है, बस वही बकरी ज्यादा से ज्यादा कुत्ता बाजार चलता है, बस वही, और वो चुरा के बेचता है, प्रशासन से चोरी छुपे बेचता है, प्रशासन को मालूम हो जाएगा तो उसको भी अंदर कर देगा, इसलिए वो लोग भी खत्म हो गया धीरे धीरे। आपको क्या लगता है बेचना कहीं कहीं गलत होगा तभी तो प्रशासन इस पे बैन लगा रहा है? तो गलत नहीं है, अब आपको यदि शौक है कि हम हाथी खरीदे तो इस मेला में हाथी आता था तो आप आते तो हाथी खरीद के ले जाते, अभी तो सब बात है नहीं। बहुत होता है ना कि लोग खरीद के ले जाकर उसको तस्करी करते थे, नहीं उसको काट करके उसका चमड़ी हुआ चाहे उसका दांत हुआ ऐसा बेचते होंगे तभी तो सरकार उस पे बैन लगाए। नहीं नहीं ये सब गलत बात है, यहाँ जो हाथी बिकता था कर्नाटक और महाराष्ट्र इस सब में ज़्यादा जाता था यहाँ से, वहाँ जानते होइएगा कि वहाँ मंदिर पर भी हाथी रहता है, उसका पूजा होता है, उसका चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन यहाँ तो अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक आध 2 पीस आता है लोकल में जो आदमी रखे हुए हैं दिखाने के लिए लाता है और लोग दिखा उखा के फिर 2-4 दिन में चले जाते हैं, नहीं तो हाथी पूरा 1 महीना रहता था यहाँ। पिछला बार भी देखे तो कहाँ हाथी कुछ नहीं, 2-3 गो आया था और 2-4 दिन बेचारा रहा यहाँ से के बाद चला गया, बिक्री तो करना नहीं है। तो धन्यवाद अंकल जी, तो देख सकते हैं इतना जानकारी अंकल जी के हिसाब से मिला, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोगों का क्या राय है इस मेला करके लेकर के आखिर क्या हो रहा है इस मेला के साथ, बिहार के लोगों के साथ क्यों खेल रहे हैं प्रशासन लोग, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।